हेलो एवरीवन दोस्तों, इन दिस वीडियो हमारे पास होने वाले हैं टू बेस्ट एयरपॉड्स अंडर 500 रुपीज़, जिनमें से एक होने वाला है i12 और एक होने वाला है Pro 4। तो जानेंगे इस वीडियो में इसकी एडवांटेजेस और दोनों की डिसएडवांटेजेस, कितना आपको बैटरी बैकअप मिलता है, कितना आपको टॉक टाइम मिलता है, कितना आपको म्यूजिक टाइम मिलता है, और क्या इसकी साउंड क्वालिटी होने वाली है, और क्या इसकी बिल्ड क्वालिटी होने वाली है। और फ्रेंड्स, अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो हमारी सर्विस ऑल इंडिया कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले करते हैं i12 की अनबॉक्सिंग, जिसका कि आपको प्राइस मिलने वाला है 290 रुपीज ओनली। तो पैकेजिंग इसकी एकदम सिंपल रहने वाली है। तो उसके साथ जो मिलने वाली एक्सेसरी है, आपको इसके साथ एक लाइटनिंग केबल मिलती है बस, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जिसको कि आपको ज़रूरत पड़ती नहीं है पढ़ने की। तो चलिए इसे थोड़ा साइड में रखते हैं और अनबॉक्स करते हैं प्रो 4 को। तो दोस्तों, जो प्रो 4 होने वाले हैं वो साइज़ में इतना स्मॉल होने वाले हैं i12 के मुकाबले। फ्रेंड्स, जो प्रो 4 के एयरपॉड्स आपको मिलते हैं वो एकदम लाइट वेट होते हैं, तो ज़्यादा टाइम पहनने के बाद तो महसूस होना भी बंद हो जाता है कि कान में एयरपॉड्स पहने हुए हैं। तो इसके साथ भी आपको सिंपल एक लाइटनिंग केबल मिलेगी और कुछ डॉक्यूमेंटेशन। तो दोस्तों, साइज़ कंपैरिजन में देख सकते हैं कि आपको प्रो 4 की जो डब्बी है वो काफ़ी स्मॉल मिलती है i12 के मुकाबले। तो लेकिन दोस्तों, अगर वेट की बात करें तो वेट इसमें हैवी क्वालिटी आपको प्रो 4 में मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइज़ कंपैरिजन में कितना फ़र्क है। तो इसी फ़र्क के कारण इसमें प्राइस में भी फ़र्क आता है। आप एक तरफ से कह सकते हैं कि उसमें थोड़ी नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि आपको बैटरी बैकअप में इसमें क्या मिलने वाला है। तो बात करें i12 की, आपको 2 से 2.5 घंटे का इसमें आपको म्यूज़िक टाइम मिल जाता है, और सेम ही म्यूज़िक टाइम आपको प्रो 4 में मिल जाता है। तो अगर टॉक टाइम की बात करें तो थोड़ा सा टाइम इंक्रीज़ हो जाता है, वो लगभग 2.5 से 3 घंटे हो जाता है i12 का। तो अगर प्रो 4 की बात करें तो प्रो 4 में थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है आपको। तो अब इसमें अगर कवर की बात करें, तो क्योंकि आजकल कवर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो i12 पे आप यूज़ कर सकते हो एप्पल एयरपॉड का, जो कि हम आपको डाल के दिखाई देते हैं। तो इसी दूसरी तरफ जो अगर आप प्रो 4 की बात करो, तो प्रो 4 के कवर तकरीबन मार्केट में ना के बराबर हैं। तो उसका कारण ये है कि प्रो 4 कभी चाइना से इंपोर्ट होता है, कभी बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप एप्पल की बात करें तो एप्पल में कई कॉपीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, मेड इन जापान, मेड इन कैलिफोर्निया, i12, जो कि स्टैंडर्ड साइज सभी एप्पल की कॉपी से मैच करते हैं, एप्पल से मैच करते हैं। तो इसलिए इसके कवर ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन प्रो 4 पे भी आप कवर लगा सकते हैं, वो थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ता है, जो कि आपको वीडियो में हम आगे दिखाएंगे। तो कुछ ऐसा आपको ये कवर देखने को मिलेगा, 19-20 का फ़र्क रहता ही है। तो अगर हम इसमें बात करें प्रो 4 की, तो साइज़ आप खुद ही देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा बीच में गिर ही जाएगा, तो वापस बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यह देख सकते हैं यहाँ पर कितना गैप बच रहा है। तो इसके लिए क्या जुगाड़ है, तो वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए दो टाइप के जुगाड़ होने वाले हैं, ये एक सस्ता जुगाड़ और दूसरा होने वाला है थोड़ा सा महंगा जुगाड़, जो कि एप्पल एयरपॉड प्रो का कवर होता है। तो दोनों में हम आपको इसमें डाल के दिखाते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, एक पर्स टाइप हो सकता है, आप इसे ईजिली हैंग कर सकते हैं, की चेन में टांग सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, तो आपको एप्पल एयरपॉड प्रो के कवर में भी डाल के दिखा सकते हैं, अगर आपको ये थोड़ा सा स्टाइलिश दिखाना है। तो कुछ ऐसे जुगाड़ लगा के आप इसे एयरपॉड एप्पल एयरपॉड प्रो के डब्बे में फिट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड इन क्वालिटी, और बाद में बात करेंगे कि इसकी साउंड क्वालिटी आपको कैसे मिलने वाली है। तो बिल्ड इन क्वालिटी दोस्तों आपको दोनों में अच्छी मिलती है, लेकिन अगर आप शटर की बात करें तो शटर आपको प्रो 4 का जो है थोड़ा सा सॉलिड देखने को मिलता है, और इसी में आपको i12 का शटर है थोड़ा सा लूज देखने को मिलता है। लेकिन इस वर्थ इट है, लेकिन ये ऐसे खुलेगा नहीं। तो अगर वेट की बात करें तो एयरपोर्ट्स दोनों से निकाल के भी हम साइड में भी रख दें, तो वेट इसका जो रियलमी की डब्बी है प्रो 4 की, उसमें ही वेट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसमें थोड़ी हैवी क्वालिटी की बैटरी इनसाइड लगाई गई है और थोड़ा मटेरियल भी हैवी यूज़ किया गया है। तो इसके बाद अगर साउंड की बात करें, तो साउंड आप i12 में देखने को मिल जाएगा एकदम लाउड म्यूज़िक, जो कि आपको थोड़ा कह सकते हैं कि बास और ट्रबल आपको मिक्स मिलती है। तो अब साउंड क्वालिटी की अगर प्रो 4 में बात करें, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा आपको साउंड लाउडर जो होता है थोड़ा सा कम करके आपको बास क्वालिटी, जो बेस क्वालिटी है सॉन्ग्स की, बहुत थोड़ी ज़्यादा कर दी गई है, जिसके कारण म्यूज़िक का जो मज़ा है वो 2x2 हो जाता है। बहुत ही अच्छी बेस सिस्टम आपको इसमें मिल जाता है। तो ये म्यूज़िक से लेके अगर आप मूवी भी देखेंगे तो सारे साउंड एक्सपीरियंस को इन्हेंस करेगा। तो बाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए गैजेट्स के साथ। तो आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी ऑर्डर डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।
तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।